नमस्कार, मैं साधना और एक नई रेसिपी के साथ साधनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर डोसा की रेसिपी। तो जब कभी भी आपका बिल्कुल मार्केट जैसा पेपर डोसा बनाने का मन हो तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिए और मार्केट जैसा रिजल्ट पाइए। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो बिल्कुल परफेक्ट क्रंची पेपर डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी चावल। ये कोई भी चावल ले सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी खास तरीके का चावल चाहिए। तो मैंने ये एक कटोरी चावल लिया है और इसको मैं इस बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हम इसमें एक कटोरी और ऐड करेंगे, तो टोटल हमें 3 कटोरी चावल लेना है और ये 3 कटोरी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कटोरी चावल लिया है और 3 कटोरी चावल के साथ हम 1 कटोरी दाल ऐड करेंगे। 1 कटोरी दाल के 4 हिस्से करेंगे और उन 4 हिस्सों में हम 2 हिस्से लेंगे धुली उड़द की दाल, उसको इसमें डाल देंगे। 1 हिस्सा लेंगे धुली मूंग की दाल और 1 हिस्सा लेंगे अरहर दाल। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दाल के 4 हिस्से किए, 2 हिस्से धुली उड़द की दाल, 1 हिस्सा धुली मूंग की दाल पीली वाली और 1 हिस्सा उसका लिया है अरहर की दाल। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे अलग अलग नहीं भिगो रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने एक ही साथ मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धुल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी को अच्छे से धुल लिया है 3 से 4 बार साफ पानी से। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो हमें इसमें इतना पानी डालना है कि अच्छे से डूबा रहे, क्योंकि ये भीगने के बाद फूलेगा भी, तो ये फूलने के बाद भी अच्छे से इसमें डूबा रहे। तो जब भी आपका पेपर डोसा बनाने का मन हो तो इसी रेसिपी को फॉलो करें, कोई चांस ही नहीं है कि आपके डोसा खराब बने। तो बस अब हम इसे प्लेट से कवर कर देंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भीगने देंगे। ज़्यादा नहीं भिगोएंगे, 4 से 5 घंटा सफिशेंट है। तो देखिए 5 घंटे हो गए हैं और सारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका पानी निकाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से वॉश करेंगे और इसको बहुत ही महीन पीस लेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस जार में डालेंगे। ऑलमोस्ट आधा इसमें हो गया है और इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना तो पेस्ट गीला हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम बाद में भी डाल सकते हैं। इस पर लगाएंगे ढक्कन और इसे महीन पीस लेंगे। तो देखिए मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है, बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार किया है। और देखिए बाकी का भी हमने पीस लिया है उसी तरीके से महीन। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करने वाले हैं, ना इसमें नमक डालेंगे और ना ही इसमें पानी डालेंगे, बस इसको इसी तरीके से फेंट के रख देंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और अब हम इसे रात भर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। और ये मैंने इसको कवर कर दिया है। तो देखिए इसे मैंने पूरी रात फर्मेंट होने के लिए रखा था और ये बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट भी हो गया है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए क्योंकि ये जितनी क्वांटिटी मैंने इसमें छोड़ी थी तो उसका डबल हो गया है और बहुत अच्छे से फूल भी गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसे। तो
तो बस तो इसी तरीके से हमें इस बैटर को रखना है। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक। और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, एक परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है। और चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करें। तो देखिए, डोसा बनाने के लिए मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। बस ध्यान हमें ये रखना है कि तवा फ्लैट होना चाहिए। और इस पे ऑयल लगाने के लिए मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है। इसमें हल्का सा ऑयल लगाया मैंने, और इस पे लगा लेंगे जिससे वो चिपकेगा नहीं। तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। और इसको इस तरीके से बराबर फैला लेंगे। बस गोल गोल घुमाते जाएंगे। तो जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई दिखने लग जाए तो इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो घर में गैस इस्तेमाल करते हैं उसका चूल्हा छोटा होता है, तो पूरे तवे पे हीट बराबर नहीं लग पाती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा घुमा घुमा कर सेंक लेंगे। तो देखिए, डोसे का कलर चेंज होने लग गया है और ये साइड से तवा छोड़ने लग गया है। और ये देखिए कितने आराम से निकल गया। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक डोसा बनाने के बाद तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस पे हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से बुलबुले उठ रहे हैं। और इस पानी को हम टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से पोंछ लेंगे। और अब इस पर दूसरा डोसा बनाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया है। और अब हम इसे इस तरह से रोल करके हटा लेंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट डोसा बना है। और इसी तरह से हम दूसरे डोसे भी बना लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।